क्लासें ऐसे जो एक ऐसी संस्था के प्रमुख के बारे में है, उनके आर्थिक जो पूरा रिश्ते हैं अलग अलग कंपनियों से, उसके बारे में कर रहे हैं. वी हैव बीन एक्सपोजिंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स ऑफ द सेबी चेयरपर्सन विथ वेरियस कंपनीज एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ओवर द लास्ट 8 to 10 days. जवाब सेबी से अभी तक नहीं आया, जवाब प्रधानमंत्री से भी नहीं आया. आईसीआईसीआई ने जवाब दिया, जिनके सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी जी से क्या कितनी उनको क्या रिश्ते थे, कैसे माधवी जी के अकाउंट में कितने पैसे किस साल में आए, वो सारा हमने आपको बताया. आईसीआईसीआई ने एक जवाब दिया और उस जवाब के एवज में हमने आप लोगों को और सवाल भी पूछे, क्योंकि वो जवाब बिल्कुल धुलमुल था, उस जवाब में कोई तथ्य नहीं थे. आईसीआईसीआई डिड रिस्पॉन्ड टू आर एक्सपोजे आर चार्जेस दैट मिस माधवी पुरी हैज बीन रिसीविंग मनी फ्रॉम आईसीआईसीआई इन हर अकाउंट. हाउएवर वी रिस्पॉन्डेड टू द आईसीआईसीआई बिकॉज द रिस्पॉन्स ऑफ द आईसीआईसीआई डिड नॉट रियली हैव द काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट अ रिस्पॉन्स शुड हैव. To this date, we have not received a response from either SEBI or the Prime Minister's office. Today, we bring to you some very startling revelations. आज जो हम आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं वो आपको वाकई चौंका दें. हम भी चौंक गए जब इसको देखा. और आपके सामने ही फोन आया था पिछली प्रेस वार्ता में, जिस व्यक्ति ने मुझे एक विसल ब्लोअर ने ये खबर दी थी, उसके बाद हमें 3 दिन लगे रिसर्च करने में, कागज इकट्ठे करने में. और जैसा कि मैंने आपको कहा, आजकल सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से, सेबी से, आईसीआईसीआई से सूचनाएं मिलती हैं. आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी. तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं अब वापस से. 10 साल का आपको ब्रेक मिला, अब जरूरत नहीं है ब्रेक, अब आगे आप करिए, मिलेगी इंफॉर्मेशन. हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी मिलेगी. यह जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था, उसमें एक कंपनी का नाम था अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी, 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी. और ये माधवीपुरी जी के पति और माधवीपुरी जी की कंपनी है. लेकिन माधवीपुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था. ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है. आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवीपुरी जी दैट व्हेन शी ज्वाइंड सेबी This company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. These are the words she used in her clarification. Lekin, ye 99% stake abhi bhi Madhvi ji ka hai 31 March 2024 tak. Ye kagaz bada mahatvapurna hai aap sabke liye. और जो सिंगापुर में भी एक कंपनी है, चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ खाते हमें नहीं मिले हैं, तो उस पर नहीं चर्चा करेंगे. जानबूझकर छिपाया जा रहा है, मार्केट से छिपाया जा रहा है, पत्रकारों से छिपाया जा रहा है, हो सकता है सरकार से छिपाया हो, लेकिन इस सरकार को तो सब मालूम रहता. इस सरकार के पास तो पेगासस है. मेरे फोन की बातें इस सरकार के पास है, राहुल गांधी जी के फोन की बातें इस सरकार के पास रहती हैं, खड़गे साहब के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है, केसी वेणुगोपाल जी के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है, लेकिन माधवीपुरी जी 99% शेयर होल्डर जिस कंपनी की हैं, उनके पति और वो मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, माधवी जी सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई कि यह कंपनी डॉर्मेंट है. मैं आगे बताऊंगा कैसे.
This is a case of willful concealment. Last press conference, I told you that the Wockhardt case, which we also exposed last week, was a case of clear corruption, brazen corruption. This, what I am about to tell you, is a case of willful concealment. जानबूझकर छिपाया गया है. अब ऐसा कौन सा पेगासस है सरकार के पास जो सिर्फ विपक्ष के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए है, माधवी जी के लिए नहीं? जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आया,